हेलो मित्रों, सत श्री अकाल। कहेगा जगड़ा को है ये जगड़ा को। हां जी भाई, अब इतनी कलरफुल देख चांद देख के नजारा आ गया। चलो जी, अब भाई मेरे तो भी घंटा हेलो मित्रों, सत श्री अकाल। हाँ जी, आज हम पहुंच चुके हैं क्या खाने, जो आप जानते हैं दिल्ली की जो जान है, जो दिल्ली पूरी दिल्ली के सब भागे जा रहे हैं यार, चाँप। आपको पता है यार, आज ये चाँप खाई मज़ा नहीं आया, वहाँ चाँप खाई मज़ा नहीं आया, अब यहाँ के खाओ ना यार। कहाँ पहुँचे हुए हैं हम इस वक्त? खड़े हैं तिलक नगर छोटे साहबजादे गुरुद्वारे पे, उनके सामने ही बिल्कुल पड़ता है, आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, सरदार जी मलाई चाँप वाले, जो कि अपने नाम में ही भाजी, एक तो सामने गुरुद्वारा साहब आप देख सकते हो, उसके बिल्कुल बिल्कुल सामने ही आप देख सकते हो सरदार जी मलाई चाँप वाले हैं। इनकी जो ये चाँप जो सर्व कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ आपने कहोगे यहाँ पर कोई चीज़ बताइए आपने, इनकी चाँप खा लो, मोमोज खा लो और स्प्रिंग रोल्स खा लो, मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा आपको, जो क्वालिटी दे रहे हैं ना, मैं कहता हूँ आप सोच नहीं सकते। हाँ भाई, कह सकते हो भाई यहाँ आए तो पैसा बर्बाद नहीं हुआ, वसूल हो गया। आओ जी, आपको मिलवाते हैं जो इनके ऑनर हैं उनसे। और हाँ जी, आपको मिलवाते हैं शॉप के ऑनर से। वाहेगुरु जी की फतेह, प्यारे हो जी। आयन गुरु जी, जी मैं अपना फैमिली से हां, छोटी सारी फैमिली है। बिल्कुल वीर जी, बिल्कुल वेलकम। वीर जी तुम्हारा नाम की है क्या? मेरा वीर जी हरप्रीत सिंह नाम है, प्रादा। हां जी वीर जी, मैं देखा बहुत तुम्हारे बहुत प्यार बन रहे हो तुम इधर सब छोटे साहबजादों का आशीर्वाद है सारा, जिहड़ा दी नगरी बैठे हैं असीं। हां जी वीर जी, अपने तक की सर्व कर वीर जी, साडे कोल लगने साडे स्प्रिंग रोल लगने, स्पेशल लगने स्प्रिंग रोल। हां जी केएफसी चाप है, बाकी चटपटी चाप है, नागिन चाप है, बहुत तरह की वैरायटी है। नागिन चाप, वाह जी, नाम क्या प्यारा है, नागिन नागिन चाप। जे कहोगे तो नागिन नु दूध पिला देंगे, जे कहोगे तो नहीं पिलावांगे। अच्छा जी, अच्छा जी। नागिन नागिन चाप है, बोटी टिक्का है, बहुत वैरायटी है। अच्छा, प्योर वेजिटेरियन है? प्योर वेज है भाजी, प्योर वेज है। नागिन चाप है, बोटी टिक्का है, चटपटी चाप है, तुझे खाओ तो मजा आएगा भाजी। मजा ना आए तो पैसे वापसी और दोस्तों। ओ भाई साहब, क्या मजा आएगा तो पैसे नहीं तो ऐसे। ओहो क्या बात है, नहीं बड़ी गल। वीर जी अपना, मैं देखा ना थोड़े कोल सीटिंग सिस्टम भी है। हां जी बिल्कुल वीर जी, अंदर सीटिंग है तो साडा सारा बाहर काउंटर लगता है, गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने गली के विच है भाजी असीं। अच्छा सरदार जी मलाई चांप वाले, ओके वीर जी। मैं और अपना तुम दस रहे थे अपना होर की साढ़े को भी जी, रोस्टडी काफ़ी आइटम है ने, स्नैक्स भी काफ़ी आइटम है ने, रोल है ने, मलाई चाप रोल है, मसाला चाप रोल है, अफगानी रोल है, चटपटा रोल है, बोटी रोल है, जग्गा रोल है, काफ़ी। हाँ जी जग्गा रोल, जग्गा डाकू रोल, जग्गा डाकू। अच्छा जी, कहाँ दे मामले वीर जी, कस्टमर नु इंटरेक्ट करने से नाम रखे गए ने। हाँ जी चीज़ है, देखो सोयाबीन ही है, तुम्हारी बॉडी वास्ते बहुत वधिया है सोयाबीन। हाँ जी, बाकी है कि कस्टमर नु इंटरेक्ट करना होता है कि नाम अच्छे अच्छे रख के, आइटम अच्छी खिला के, साफ सुथरा माल बनता सारा डेली दे डेली। मैं भी पूछना चाहूँगा टाइमिंग की अपना। टाइमिंग वीर जी 4 बजे तो लेके 11 बजे तक, रात 11 बजे तक जो मर्जी आयो, 4 to 11। ते कोई ऑफ? ऑफ कोई नहीं है, कोई ऑफ नहीं है। अच्छा ते वीर जी अपना और पूछना चाहूँगा, जैसे क्या जी फ्रेंचाइजी? फ्रेंचाइजी वीर जी, किसी भी पुराने कॉन्टैक्ट करना है फ्रेंचाइजी, एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकता है, तो मेरा नंबर तुम डिस्क्रिप्शन के दे देना, तो किसी को गाइडेंस चाहिए काम के बारे कुछ समझ ना हो तो भरा उस तरह भी समझा देगा, बाकी फ्रेंचाइजी भी असं देने। अच्छा हाँ जी, किसी को वैसे भी जेनुअन गाइडेंस मिलेगी, यानी कि सिर्फ वी आर वर्किंग ओनली फॉर मनी, मनी असं असं काम नहीं कर रहे, असं नाम कमाना है, गुडविल कमानी है, गुरुद्वारा के कोल बैठे हैं, तुम्हें जेनुअन गाइडेंस मिलेगी। वीर जी मैं एक और चीज़ पूछना चाहवाँगा, कितने साल तो प्यार बंट रहे हो वीर जी? सानू नियर बाय, पहले मेरे मदर फादर संभालते थे, हम मेरे मदर फादर दूजी दुकान से पैदा ने शुभानगर ब्रांच से, तो इधर मैं संभालता वहाँ वीर जी। नियर अबाउट सानू इधर 20 or 25 years हो गए संभाल, 25 years हो गए। हाँ जी ओके, तो मैं देखना यह सब जो ना माँ प्यो का आशीर्वाद है, असं लोग तो कुछ नहीं कर सकते, सब उन्होंने आशीर्वाद है, वाहगुरु का आशीर्वाद है जो अभी कर रहे हैं। तो वीर जी मैं पूछना चाहूँगा एक और चीज़ अपना, जरा प्यार वंट रहे हो। हाँ जी हाँ जी, तो स्विगी जोमैटो से भी लैके हो? स्विगी जोमैटो से वीर जी, सरदार जी मलाई चाप तिलक नगर, सरदार जी मलाई चाप सुभाष नगर, कितने भी ऑर्डर करते हो दोनों ब्रांच। प्रॉपर एड्रेस पूछना चाहूँगा वीर जी, गुरुद्वारा साहब के कोल फतेह नगर, गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल सामने गली के D106 फतेह नगर, D106 फतेह नगर। अच्छा अपना गुरुद्वारा साहब बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने, बिल्कुल गली है वीर जी, उधर ही है गया सी। अच्छा हाँ जी, अपना कोई छोटा मोटा गेट टूगेदर भी अपने जो मर्जी वीर जी, कोई भी बर्थडे पार्टी हो, कैटरिंग हो, कोई भी बड़ी कैटरिंग हो, ब्याह का काम हो, रिसेप्शन हो, सगन हो, एनी टाइम किसी भी सेवा से हाजिर है, 24 घंटे हाजिर। ओके वीर जी, आज 6:30 से एक ट्रैक्टर ला दो। बिल्कुल मैं लगा देना वीर जी।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब ये देखो कलरफुल मामला, भाई साहब आप सोच सकते हो ऐसा कलरफुल मामला मिल सकता है चांप में। और ये आप दिखाते हैं पाजी से, पूछते हैं कौन कौन सी चांप क्या क्या है। हाँ जी पाजी, पाजी नागिन चांप है, ये चटपटी चांप है, मसाले वाली है, चिकन टिक्का है, बेस्ट चिकन टिक्का है, बेस्ट फिश टिक्का है, जगह डाकू है, हाँ जी भाजी चटपटी चाप है मसाले वाली, ओके okay. हरियाली टिक्का धनिया पुदीने वाली रोस्टेड चाप है, अच्छा अनारकली चाप है, अनारकली भाजी ड्राई बंदी बिल्कुल खाओगे मजा आए, ओके रिपोर्ट चली। ओहो भाई साहब इतनी कलरफुल देख चाप देख के नज़ारा आ गया। चलो जी अब भाई मेरा तो भी कंट्रोल नहीं हो रही भुख, अपना भी थोड़ा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो तुम अपना बैग के दिखाने हैं क्या मामला है, की स्वाद है। आओ जी आओ चलने हैं, आओ भी भाई साहब बनती यहाँ पे है, सीटिंग सिस्टम अंदर है, चलो जी अंदर बैठते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अंदर एयर कंडीशन है, आराम से बैठ के दिखा खाते हैं, आपको टेस्ट बताते हैं कैसा स्वाद है, क्या क्या चीज़ दी है इन्होंने, बस करते हैं हम एंट्री। हाँ जी एक वीर जी हैं अपनी मलाई चाप इंजॉय कर रहे हैं, उनका छोटा सा रिव्यू लेते हैं। वीर सत श्रीकाल जी, मैं देखा तुम इंजॉय कर रहे हो, तो तुम क्यों चला गया फूलियाँ का? पर जिनी बार गुरुद्वारे आने उन्नी बार एक विजिट इधर परमानेंट हैगी, फिक्स है, फिक्स है, पसंद है इन्हों की चाप और उनके रोल। असी बाई चांस ऐसा भी होंगे कि घर भी मंगाने, बहुत अल्टीमेट क्वालिटी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी। मैं देखा नाम जगह सर नागिन, नागिन वाली मेरी फेवरेट है, नागिन मैं उन्हें खा के हटिया हूँ। हाँ जी हाँ जी, नागिन और मसाला रोल, मसाला रोल मोस्ट ऑफ द टाइम आई होंगे ना, बाकी सारे ट्राई किए हैं ऐसा कुछ एक पर्सनल फेवरेट ही जी है नागिन वाली, उन्हें खा के ही निपटे हैं, देखो खा के खत्म की। रेटिंग सर 5-star रेटिंग है ना, अभी अब तुझे आया सोचो 10 तो 16 तो 9.5। मैं तक अज तक कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस हुई नहीं, और जिनी बार आए हमेशा नॉर्मली सीटिंग नहीं भी आँगी तो भी वीर जी ने प्यार बुलाते हैं, बैठ 2 मिनट गल करते हैं, इन्नी देरी सीट मिल जाती होंगी, ये कोई दिक्कत नहीं होगी सू, अज तक कोई प्रॉब्लम कभी हुई नहीं फेस, और प्यार खुवाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। हाँ जी हमारा पेटा सच सच के आ चुका है, तो आप देख सकते हैं ये है अपनी KFC चाप स्प्रिंग रोल, ये हमारी मलाई चाप। तो शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं कैसा टेस्ट, पहला शुरुआत करते हैं अपने स्प्रिंग रोल से, आप देख सकते हैं स्प्रिंग रोल बिल्कुल क्रंची है बाहर से, अंदर फिलिंग जो कर रखी है इन्होंने चौमिन की है, आप देख सकते हैं, तो आवाज़ देख सकते हो, ये क्रिंचीनेस देखो आप, ठीक है हम शुरुआत करते हैं। क्रंचीनेस जो उसके ऊपर की आउटर लेयर है मेरे को पतली सी लेयर है, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं है, जो क्रंचीनेस आ रहा है प्रॉपर, जो अंदर की फीलिंग है क्योंकि मसाले यूज़ कर रहे हैं, मसाले में क्या है हल्का हल्का माइंड सबको स्वाद आ रहा है, जो उन्होंने वेजिटेबल डाली है ओवर कुक नहीं है, जो उनके अंदर सब्जी डली हुई है ना चौमिन के साथ जो एक होती है ना बिल्कुल गुई सी हो जाती है वैसे नहीं है, पूरा क्रंच आ रहा है उसके अंदर। तो अभी है KFC चाप यार, यहाँ पे KFC चाप मिल रही है, क्या बात है, आप देख सकते हैं ये भी क्रंची नहीं है सर, मैं पहले नॉर्मल ट्राई करता हूँ बाद में चिड़िया ट्राई करेंगे, ये देखो
क्या बात है, चटनी अच्छी लग रही है, मैं ट्राई करता हूँ चटनी के साथ। ओहो क्या बात है, क्या बात है, स्वाद ऐसा है भाई, जो भाई मैं कहूँगा, मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे आप नॉन वेजिटेरियन कभी खाए नहीं है ना, एक्चुअल हो जाओगे, सही बता रहा हूँ, यहाँ आने पर टेस्ट जो उसके ऊपर क्रंचीनेस आया ना, कैफे चाप है मुँह में आती ना, कर 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 की जो आवाज़ आती है अलग ही आती है, और जो मसाले हैं, जो चाट मसाला हल्का सा लगा हुआ ऊपर से, ओह मज़ा आ गया, जो सूखा सूखा हो साथ में, जो ड्राई खाना चाहते हैं तो ऑसम है, तो ये मेयोनीज लगाई हमने, नेक्स्ट लेवल स्वाद है भाई, अंदर थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट, अंदर सॉफ्टनेस है, बाहर क्रंचीनेस, तो हमारी है अभी मलाई चाप, तो मलाई चाप दिखाते हैं, आप देख सकते हैं जिस शक्ल सूरत पूरी डूबी हुई है मलाई में, हम पा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सॉस मलाई, आ जाओ, जो चाप है वो सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, मलाई का जो स्वाद आ रहा है ना, मलाई चाप बोल रहे हैं तो मलाई चाप दे रहे हैं, सॉफ्टनेस है बिल्कुल, चाप बिल्कुल मुंह में जाती मेल्ट हो रही है, ठीक है, जो इनके ऊपर मसाले यूज़ कर रहे हैं तो हल्के हल्के माइनर है, हिट नहीं कर रही, और टेस्ट सबका तीनों का अलग है, ये जो हमने ये खाई थी केएफसी चाप, इसका स्वाद अलग, अभी मलाई चाप जो हम खा रहे हैं इसका स्वाद अलग, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, ये तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है, मुँह में डालती ऐसे ऐसे ब्लास्ट हो जाता है मेरे अंदर, तो मैं एक और लेता हूँ राइट, तो मेरी बाइट एक मैं मीना से खाना बताता हूँ, भाई साहब क्या बात है, चीज़ दे रहे हैं, मस्त, आप आगे जरूर आगे यहाँ पे विज़िट करो, तिलक नगर छोटे साहब जगह गुरुद्वारा है बिल्कुल के सामने है, सरदार जी भाई जहाँ पहले, मज़ा आ रहा है, मैंने अपना पूरा मामला निपटा दिया है, तो भाई मुझे तो आ गया बिल्कुल फुल प्रॉपर मज़ा, तो भाई आपका विज़िट कर रहे हो आगे, चलो जी हम वीडियो से लेते हैं वीरा, तो वीर जी बहुत मजा आया खा के, थैंक यू, थैंक यू, तेरे प्यार का वीर जी बहुत मजा आया, खाओ पियो ऐश करो।